हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि अगर पीछे का गला ब्लाउज का बड़ा हो जाए तो उसे किस प्रकार सही करते हैं। देखिए, मैंने इसमें ये निशान लगा लिए हैं चौक से। देखिए, ये मैंने निशान लगा लिए हैं। बहुत से लोग बड़ा गला पहनने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें छोटा गला चाहिए होता है। ये ब्लाउज का गला बड़ा हो गया है, इसलिए मैं इसे देखिए छोटा करती हूँ। इसके लिए मैंने एक ये पट्टी काट ली है उसी ब्लाउज के कलर के कपड़े की मैचिंग की, और ये किया लाल रंग की पट्टी काट ली है। ये ऊपर लगाने के लिए मैंने उस पर डिज़ाइन बनाने के लिए काट ली है। आप चाहें तो मैचिंग की भी काट सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो। मैंने दूसरे कलर की ये काट ली है। देखिए, मैंने ये काट ली है दूसरे कलर की पट्टी, और ये अब ये जो बड़ा वाला कपड़ा है इसमें मैं देखिए ये प्लेट्स डालूँगी। देखिए, मैं इसमें इस तरह से प्लेट्स डाले ले रही हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम आराम से इसमें प्लेट्स डालनी है ताकि ये ख़राब ना हो। देखिए, मैं इसमें इस तरह से प्लेट डाले ले रही हूँ। देखिए, मैंने ये इसमें प्लेट्स डाल ली हैं, और ये भी ये मैंने जो दूसरी पट्टी काटी है मैं इसे प्लेट्स जिस तरह से डाली हैं उसकी उल्टी साइड से इसे लगाएंगे। देखिए, मैं इस तरह से इसे उल्टी साइड से सिलाई करे ले रही हूँ। देखिए, मैंने इसे ये काट दिया है फालतू कपड़ा, और अब मैं इसे सीधी तरफ से सिलाई डाले ले रही हूँ। देखिए, मैं इसे इस तरह से सीधी तरफ से सिलाई डाले ले रही हूँ। देखिए, ये सीधी तरफ से सिलाई पड़ गई है। अब इसे मैं फालतू कपड़े को काट दूँगी। देखिए, मैंने फालतू कपड़ा काट दिया है, और अब ये इसकी प्लेट्स पे मैंने एक बीच में सिलाई डाल ली है ताकि ये इधर उधर कपड़ा हिले ना इधर उधर इसकी प्लेट्स भागें, इसलिए इसकी डिज़ाइन बनी रहे। और ये जो काला ये जो मैंने सिलाई डाली है इस पर, ये इसकी ढक जाएगी नीचे की साइड में। देखिए, मैं इस तरह से ये सिलाई छुपाए दे रही हूँ। देखिए, सिलाई बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, और ये कपड़ा ही सिर्फ डिज़ाइन ही दिखाई देगी। अभी मैं इसे सिले ले रही हूँ। मैंने जो निशान लगाए हैं उसी पे मैंने सिल लिया है। देखिए, ये गला छोटा हो गया है, ये देखिए पीछे की साइड से, और ये देखिए सीधी तरफ से। आप चाहें तो इसमें ऊपर डोरी भी लगा सकते हैं।